अनोखे हो गई वाह गई वाह अनोखे हो। या महक, यहाँ पे सब सेट है, तुम्हारी एक्टिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। महक? हाँ महक, बोलो। आशु जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमारी जान खतरे में है। महक कहाँ हो तुम, क्या हुआ? एमजी रोड विक्टोरिया के पास, ट्रैफिक सिग्नल के पास है। ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें बचा लो आशीष जी। कौन लोग? मैं, हेलो, कम ऑन महक, पिक अप द फोन। मम्मी जी, तू पापा जी की बिल्कुल फिक्र मत कर, पापा जी बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। तो भी जाकर सो जा, कल रात को भी उठी हुई थी ना, और फिर कल सुबह तुझे काम पर भी जाना है। मैं पापा जी को ऐसे हालत में छोड़ के कैसे काम पे जा सकती हूँ? मुझे उनके पास रहना चाहिए ना। अनुपुत्र, पहले शायद इस बात से मैं कभी राजी नहीं होती, लेकिन पापा जी की हालत को देखते हुए मुझे अब मजबूरी में ये तुझसे कहना पड़ रहा है कि अब ये काम तेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि पापा जी इस बात से कभी राजी ना होंगे, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए, खैर जाने दे, कल सोचेंगे इस बारे में, अब तू जाकर सो जा। हाँ महक, 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 आजीजी, क्या हुआ महक? ठीक हो ना? कौन पीछा कर रहा है? वो मैं मार डालेंगे, मार डालेंगे मैं। कौन तुम्हें मार डालेगा? कौन? रिलैक्स होके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। नहीं नहीं नहीं, वो लोग यही कहीं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं आशीष जी। महक, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, मैं वहीं से आ रहा हूं। ओके, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, चलो मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो कम। कुछ नहीं होगा, thank you।
आशु सर, जज्बात में आकर मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब समझ में आया है कि मुझसे गलती हो गई थी। मैं अपना इस्तीफा वापस लेना चाहता हूं। ये माल कहां लेके जा रहा है? चल लड़की को, ये माल अपन का है। अबे ये चूहे, अपनी जान प्यारी है ना, इस लड़की को यहाँ छोड़ और तू वट ले। चल चल वट ले। एक मिनट, क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसे, गाड़ी, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन लड़की को हाथ लगाने की जरूरत मत करना, समझे? धमकी दे रहा है साला। लूट ले जितना है सब लूट ले साथ से। एक मिनट, अबे ये देर से आने, ये मोबाइल के अचार डालने को रखा है, चल निकाल। अरे ओ छमिया, तेरे को क्या अलग से दावत दूं? चल निकाल। ले सब ले, चल दे दो। ले पकड़, अभी हमारे काम का नहीं है। चलो चल छमिया। मुझे विक्टोरिया वापस जाना होगा, एक बार फिर आशु से मिलना होगा। मुझे उसके करीब रहने की हिम्मत दीजिए बाबा जी। आशु बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। उसकी खुशी किसी और के साथ है, उसे बहुत खुशियां देना बाबा जी। और मुझे मुझे उसकी खुशियों में खुश रहने की ताकत देना। चल छमिया, तू भी आया। चल आशु।
विक्टोरिया की तरफ चलो। आशु जी बैठो, तुम लोगों को मैं दिया था। नहीं, आशु जी, हमें छोड़ के मत जाइए, हमें डर लगता है, छोड़ के मत जाइए प्लीज। महक, महक, बैठो, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ सेफ हो, ये विक्टोरिया है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, मेरे कैबिन से। चलो। नहीं आशु जी, हमें बहुत डर लगता है, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए प्लीज। ठीक है, चलो चलो। हम तुम एक कमरे में बंद हो, फोन डेड है। फोन डेड है, ये भगवान, आशु जी अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमें रात भर यहाँ रहना होगा, अंदर कोई नहीं आ सकता। वो हमें ढूंढ लेंगे, चुप, रिलैक्स, मैं चुप। कल सुबह तक मैं उन गुंडों को ढूंढ निकालूंगा, वो जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, उसके बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे, ओके? चुप। तुम एक कमरे में बंद हो और बस्ती चली जाए। आशु जी, आशु जी,
इस एक्टिंग के लिए तो मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। आई विश यहाँ पर कैमरा होता ताकि दुनिया देख पाती कि मुझ जैसी एक्ट्रेस के अंदर क्या कला छुपी है। आशू जी, आशू जी, आशू जी। कैंडल कहाँ रखी है इन लोगों ने? इतनी बार स्टाफ से कहा है कि ड्रॉअर बनाओ, जहाँ पर सब इमरजेंसी की चीजें होनी चाहिए। समझते ही नहीं। मैंने तुमसे कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है। इट्स सेफ हियर। वैसे वो लोग थे कौन और तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? वो लोग, ये आपके हाथ को क्या हो गया है? कुछ नहीं, छोटा सा कट है। इट्स ओके। कैसे लगा? कब हुआ ये सब? वो आपके लिए आशु जी, हमारी वजह से आपको ये कौन? रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स जस्ट नो, इट्स नॉट ओके। आप हमारे साथ आइए प्लीज। है कि इट्स ओके, कुछ नहीं, नहीं है। आप चलिए हमारे साथ। अरे बाबा, इट्स जस्ट अ स्मॉल कट, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ बैठिए, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? आप बैठे रहिए, हम ढूंढ लेंगे। ओके। दवाइयों के साथ साथ मुझे कैंडल्स भी मिल गई, ये लीजिए। थैंक यू। जानू की याद क्यों दिलाती है? आखिर क्यों? जब भी इसे देखता हूं, ना जाने क्यों इसमें मुझे अनु नजर आती है। देखते जाओ मिस्टर आशु मेहरा, मेरा जादू तुम्हें कैसे मेरा दीवाना बना देगा। और फिर तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। देखते जाओ, देखते जाओ।